अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह ताला आप लोगों को तमाम जहानों की खुशियाँ अता फरमाए। इसी दुआ के साथ चलते हैं हम आज की रेसिपी की तरफ। आप लोगों को आइडिया तो हो गया होगा आज हम क्या बनाने जा रहे हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं चने की दाल और कुल्फ़ा। तो चने की दाल और कुल्फ़ा बनाने के लिए ये मिसाले जात जो हमें चाहिए ये हमने तैयार कर लिए हैं। चने की दाल और कुल्फा को भी हमने अच्छी तरह बॉयल कर लिया है। पतीले में आयल गर्म होने के लिए रख लिया है। ये 3 से 4 चम्मच हमने इसमें आयल डाला है। आयल जैसे ही अच्छी तरह गर्म होगा हम इसमें डाल देंगे 2 अदद कटे हुए प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पर हम प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस लाइट ही सा ही फ्राई करेंगे। ये देखें माशाल्लाह हल्के हल्के प्याज फ्राई हो गए हैं। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 4 अदद कटे हुए टमाटर और 4 से 5 अदद कटी हुई हरी मिर्चें। इनको हम अच्छी तरह भून लेंगे, इनको इतना पकाएंगे मसाले को कि हमारे टमाटर गल जाएं। माशाल्लाह से यहाँ पर टमाटर गलना शुरू हो गए हैं। तो अब हम डालेंगे इसमें